अब हम लोग प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ देखेंगे। प्रिडिक्टिव वैल्यूज़ किस तरह आप देखेंगे, उसमें आपने क्या करना है कि ए आपने इस तरफ जाना है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। अच्छा, होता क्या है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, होता क्या है ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। असल में ना एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, वो प्रिडिक्ट करता है कि वो कितना प्रिडिक्शन करेगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो सारे पॉजिटिव लोग आ रहे थे ना, जो ए प्लस बी है ना, उनमें से कितने वाकई में डिजीज्ड थे, ये कितने हैं ए वाले, ये डिजीज्ड हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या शो करती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सारे पॉजिटिव आए थे, ये दोनों, ये सारे पॉजिटिव आए थे, उसमें से कितने डिजीज्ड थे, ए ए वाले क्या थे, डिजीज थे। तो ये आ जाता है पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। और जो नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है स्क्रीनिंग टेस्ट की, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू वो क्या बताता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जितने नेगेटिव आए थे आपके, यानी सी प्लस डी आपके क्या आए थे, ये सारे देखें ये नेगेटिव हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव हैं, सी प्लस डी में से कितने आपके पास नॉन डिजीज्ड थे, जित कितने आपके पास नॉन डिजीज थे, ये वाले, ठीक है, डी आपके पास नॉन डिजीज है, तो डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट ने नेगेटिव शो किए थे, वो नॉ या वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ जाएगा। तो बस प्रिडिक्टिव वैल्यू यही आप इस तरह करके फाइंड करेंगे, ठीक है, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी इजिकल टू पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू डिवाइड बाई डी प्लस सी, क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, यानी ये बताएगा आपके पास कि नेगेटिव टेस्ट जो थे सारे स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें से वाकई नेगेटिव वाले, वाकई नॉन डिजीज लोग कितने हैं। ठीक है, और वो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऑब्वियसली परसेंटेज तो आपने निकालनी ही निकालनी है। और जो पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो सारे हैं, ये वाले ए प्लस बी, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव हैं, इनमें से कितने वाकई डिजीज्ड थे, ए ये, ठीक है, तो वो आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बताता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 90 और यहाँ पे 10 10 90, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 100 स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या आए थे, 100 स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास क्या आए थे, पॉजिटिव, ये देखें स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव कितने हैं, 90 प्लस 10 100 हो गया, और उनमें से वाकई जो डिजीज़ थे वो कितने हैं, 90, यहाँ पे आ गया 90, तो 90% इसकी क्या आ गई है, पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आ गई है। 90% पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि दिस टेस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट 90% ऑफ द ऑल दी स्क्रीनिंग टेस्ट आर एक्चुअली डिजीज्ड, ठीक है, और एक्चुअली डिजीज्ड। और ये नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में क्या होगा, टोटल क्या है आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव्स कितने आए हैं, 10 प्लस 90 100, और इसमें से जो वाकई नॉन डिजीज्ड हैं, जो वाकई हेल्दी हैं, वो कितने हैं, 90 आए हैं, तो ये 90 यहाँ पे लिख दिया, और ये भी कितना आ गया, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 90% आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि दिस टेस्ट, दिस स्क्रीनिंग टेस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट 90% ऑफ ऑल द नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट आर रियली नॉन डिजीज्ड, ठीक है, तो ये 90% नॉन डिजीज होंगे इसका। बस यही होता है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज, ठीक है, जो कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट्स में पता चल जाते हैं। अच्छा, जब भी आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट का 2x2 टेबल बनाने के लिए आए, तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे डिजीज्ड आफ्टर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आए थे डिजीज्ड आपके पास लोग, और यहाँ पे नॉन डिजीज्ड यानी हेल्थी लोग, और बाकी क्या है, यहाँ पे आपके पास जिन लोगों के स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए थे और स्क्रीनिंग टेस्ट जिनके नेगेटिव आए थे, ठीक है, ये आपका 2x2 टेबल बन गया है, ए बी सी डी, ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, इन दोनों को प्लस करें तो बी प्लस डी, और इन दोनों को प्लस करके लिखें तो ए प्लस बी आता है, इन दोनों को प्लस करके सी प्लस डी, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बताएगी, ये बताएगी कि डिजीज्ड लोग टोटल कितने हैं, ये क्या वैल्यू बताएगी, नॉन डिजीज्ड कितने हैं, और ये कितने पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हैं
ये ए प्लस बी शो कर रहा है, और कितने नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो सी प्लस डी शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सेंसिटिविटी क्या है इस टेस्ट की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, वो क्या आ जाएगी? सेंसिटिविटी। और अगर आपके पास है स्पेसिफिसिटी किस तरह देखेंगे, तो डी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी, स्पेसिफिसिटी है ये। अब अगर आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू आए, तो वो आप कैसे देखेंगे? ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और अगर आपने क्या देखनी है, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, तो नेगेटिव टेस्ट वाले आएंगे ना, डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? नेगेटिव प्रेडिक्टिव वाली, और ऑब्वियसली सबकी परसेंटेज होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सही, ये बस जनरल से फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए। और साथ में एक्यूरेसी किस तरह देखते हैं, एक्यूरेसी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें क्या होता है आपके पास सेंसिटिविटी, मतलब ट्रू पॉजिटिव्स करेंगे आप, ट्रू पॉजिटिव्स प्लस ट्रू नेगेटिव्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ये आपके पास क्या आएगी? एक्यूरेसी। खत्म। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपसे टेस्ट में पूछते भी हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेंसिटिविटी को इंटरप्रीट किस तरह करते हैं, लिखते किस तरह हैं वर्ड्स में, ठीक है। तो वो इसको क्या लिखेंगे, ए डिवाइड बाई ए प्लस सी है ना, तो हम कहेंगे कि द ए क्या है, ट्रू पॉजिटिव है हमारे पास, और डी क्या है हमारे पास, ट्रू नेगेटिव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव इज सेंसिटिविटी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू पॉजिटिव इज सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रू नेगेटिव, ये देखें, इज स्पेसिफिसिटी। सही है, ये आपके पास इंटरप्रिटेशन हो गई दोनों की कंप्लीट, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की कंप्लीट। अब हम चलेंगे प्रिडिक्टिव वैल्यूज के पास, ठीक है। जो प्रिडिक्टिव वैल्यूज हम लोग ये निकाल चुके हैं, यहाँ प्रिडिक्टिव वैल्यू में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू निकाल दिया है 90%, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि द एबिलिटी ऑफ दिस टेस्ट टू प्रिडिक्ट, या फिर दिस टेस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट 90% ऑफ द पर्संस विद पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सारे क्या हैं, ए प्लस बी पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, इनमें से मतलब 90% ऑफ द पर्संस विद अ पॉजिटिव टेस्ट विल हैव द डिजीज, विल हैव द डिजीज, ठीक है। और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या करेगा कि दिस टेस्ट इज एबल टू प्रिडिक्ट दैट 90%, अगर नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है तो 90% ऑफ ऑल द पर्संस विद अ नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट हैव द डिजीज। सही है, तो ये आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन में आपने जो भी लिखना है ना कि दिस मच ऑफ दिस इज, तो वो आप इस तरह करके याद कर लें कि जो डिनोमिनेटर में चीज़ आ रही है ना, आपने वो सारे करनी है, वो लेना है। डिनोमिनेटर में आपके पास इधर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास ये ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी आपको पता है क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, सॉरी, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में ए प्लस बी क्या आ रहे हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो 90% ऑफ ऑल द पर्सन इन हु हैव स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आर एक्चुअली डिजीज, ठीक है, ए डिजीज लोग हैं। और इसमें क्या आएगा आपके पास कि 90% ऑफ ऑल द पर्सन हु हैव स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आर एक्चुअली नॉन डिजीज, ठीक है, डी नॉन डिजीज। बस ये इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी याद कर लें, दैट्स इट।